नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आज 22 जनवरी 2023 दिन रविवार, आइए एक नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है, 11,409 पदों पर निकली बंपर भर्तियां। पंजाब और हरियाणा में 23 व 24 को बारिश के आसार, बर्फबारी के कारण लाहौल और कुल्लू की सड़कें हुई बंद। उच्च शिक्षा परिषद की बैठक में हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी भर्ती। मंत्री संदीप सिंह प्रकरण, महिला कोच का टूटा शबर का बांध, कहा नहीं हुई 20 दिन बाद भी कार्रवाई। सरकार ने 34 करोड़ से अधिक रुपए की योजना को दी मंजूरी। दावा, निजामपुर की सूखी धरती में भरेगा वर्षा का पानी, नांगल चौधरी के विधायक डॉक्टर अभय सिंह का बड़ा बयान। भगवान परशुराम के नाम से जाना जाएगा कैथल सरकारी मेडिकल कॉलेज, अधिसूचना हुई जारी। JEE मेन 2023 एडमिट कार्ड, JEE मेन का एडमिट कार्ड जारी, अभ्यर्थी कर सकते हैं डाउनलोड। WFI के सहायक सचिव को खेल मंत्रालय ने सस्पेंड किया, खिलाड़ियों से रिश्वत लेने का आरोप, सरकार ने फेडरेशन की सभी एक्टिविटीज पर लगाई रोक। भारत वनडे में नंबर एक बनने से एक जीत दूर, न्यूजीलैंड से दूसरा वनडे जीतकर तीसरे नंबर पर आई टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ा पीछे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा मौसम अपडेट, हरियाणा में इस दिन होगी झमाझम बारिश, जानिए मौसम विभाग की ताजा अपडेट। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शुक्रवार को न्यूनतम तापमान में इजाफा हुआ। हरियाणा और दिल्ली NCR में ज्यादातर जगहों पर रात का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 11.5 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया, जिससे आमजन को कड़ाके की ठंड से राहत जरूर मिली है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में हरियाणा और दिल्ली NCR, खासकर दिल्ली NCR के जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे आम लोगों को ठंड से राहत मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं मौसम विभाग की माने तो 25 जनवरी के आसपास अच्छी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम में आए बदलाव से किसानों की निगाहें आसमान पर टिकी हुई है। तापमान में वृद्धि के कारण फसलों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में 22 जनवरी को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन शुष्क मौसम रहने की संभावना भी बनी हुई है। लेकिन 23 जनवरी से राज्य में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना बन रही है, जिससे 23 जनवरी की रात से 25 जनवरी की रात के दौरान राज्य के अधिकांश इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना बन रही है। उत्तरी हरियाणा के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। कर्मचारी चयन आयोग में निकली बंपर भर्ती, 10वीं पास उम्मीदवार 17 फरवरी तक कर सकेंगे अप्लाई, अप्रैल में होगा सिलेक्शन टेस्ट। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग ने 11,409 पदों पर बंपर भर्तियां निकाली हैं, जिसके तहत 10,880 पदों पर MTS और 529 पदों पर हवालदार की भर्ती होगी, जिसमें शामिल होने के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर 17 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के साथ साथ फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, जिसके लिए अप्रैल में सिलेक्शन टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। कांस्टेबल के पदों पर जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों की आयु कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 27 साल होनी चाहिए। उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। उम्मीदवारों को साथ ही 10वीं की परीक्षा 1 जनवरी 2023 से पहले पास करी हुई होनी चाहिए। गन्ना मूल्य वृद्धि की मांग, दूसरे दिन भी किसानों ने सरस्वती शुगर मिल में नहीं होने दी पिराई। हरियाणा सरकार द्वारा गन्ने के भाव में इस बार वृद्धि नहीं होने के विरोध में किसान संगठनों से जुड़े किसानों ने शनिवार को दूसरे दिन भी स्थानीय सरस्वती शुगर मिल के समक्ष धरना प्रदर्शन किया और दिन भर मिल में गन्ना पिराई का कार्य ठप रखा। मौके पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। खास बात यह रही कि गन्ना मूल्य वृद्धि को लेकर चल रहे आंदोलन में भाक्यू यानी चढ़ोनी, भारतीय किसान यूनियन यानी मान व भारतीय किसान संघ समेत अन्य किसान संगठनों के सदस्य दिन भर धरना प्रदर्शन करते रहे। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान उन्होंने गन्ना यार्ड में न तो किसी गन्ने से भरी ट्रॉली इत्यादि को जाने दिया और न ही मिल में गन्ना पिराई होने दी। खास बात यह भी रही कि आंदोलनकारी किसानों के आह्वान पर जिले भर के किसानों ने अपने खेतों में गन्ना छिलाई भी बंद कर दी है। साथ ही खेतों में गन्ना छिलाई बंद होने से किसान आंदोलन को भारी बल भी मिला है। उन्होंने कहा कि किसान आज किसानी को बचाने के लिए अपने हितों की लड़ाई लड़ रहा है, मगर प्रदेश सरकार किसानों की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। CM मनोहर लाल की अध्यक्षता में HPPC की बैठक में 8 एजेंटों में से 5 एजेंटों को मिली मंजूरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति यानी HPPC की बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली कुल 92 करोड़ रुपए से अधिक की वस्तुओं की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई है। बैठक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक भी मौजूद रहे। बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि बैठक में सिंचाई, पुलिस, परिवहन, हार्टऑन, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन के कुल 8 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें से 5 एजेंडे को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि आज विभिन्न कंपनियों से नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 3 करोड़ रुपए की बचत की गई है।
अवैध खनन व माइनिंग को रोकने के लिए पुलिस ने शुरू की मुनादी। माइनिंग करने वाले आरोपी पर होगी कठोर कानूनी कार्रवाई। नांगल चौधरी क्षेत्र में अवैध खनन व अवैध माइनिंग को रोकने के लिए मुनादी करवाई जाने लगी है। इस दौरान नांगल चौधरी पुलिस द्वारा गांव के लोगों से संपर्क कर अवैध खनन व अवैध माइनिंग को रोकने में सहयोग की अपील की जा रही है और आमजन को अवैध माइनिंग से होने वाले नुकसानों के बारे में भी बताया जा रहा है। पुलिस ने कहा है कि अवैध खनन और अवैध माइनिंग पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई है। अगर कोई भी अवैध खनन व अवैध माइनिंग करता हुआ या फिर ऐसे संगठन में शामिल होता है तो उसके खिलाफ सरकार के निर्देशों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान पुलिस ने गांव के लोगों को अवैध खनन व अवैध माइनिंग के होने से नुकसानों के बारे में भी अवगत करवाया। साथ ही अवैध खनन पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध हो रहा है, ये भी उन्होंने जानकारी दी। नारनौल में गणतंत्र दिवस पर पुलिस अलर्ट, बिना परमिशन ड्रोन चलाने पर लगाई पाबंदी। गणतंत्र दिवस को लेकर जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जिले के सभी थानों के थाना प्रबंधक अपनी टीम के साथ अपने अपने क्षेत्र में होटल और धर्मशालाओं का रिकॉर्ड जांच रहे हैं। पुलिस के विभिन्न थानों की टीमों द्वारा जिले भर में दूसरे राज्यों से आए लोगों की पहचान भी की जा रही है। साथ ही शनिवार को जिले भर के शहरी इलाकों में पुलिस ने ऐसे लोगों की भी पहचान की जो अन्य राज्यों से यहां आकर व्यवसाय कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने गणतंत्र दिवस को लेकर सभी पुलिस टीम को निर्देश जारी किए हैं कि जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाए। साथ ही होटल, ढाबा, धर्मशाला, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड इत्यादि को सघनता से चेक किया जाए। साथ ही पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी व्यक्ति हैंड ग्लाइडर्स, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, यूएवी और किसी भी प्रकार का ड्रोन उड़ाने से पहले सुरक्षा शाखा कमरा नंबर 217 कार्यालय पुलिस अधीक्षक नारनौल से संपर्क अवश्य करें। निर्देशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीएम खट्टर ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों से किया सीधा संवाद, कही ये बड़ी बातें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि प्रदेश में अस्थायी नौकरी देने के लिए चल रही ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर ऐसे कर्मचारियों को शोषण से बचाने के लिए ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया गया है। अब कच्चे कर्मचारियों को समय पर वेतन सहित ईपीएफ और ईएसआई का लाभ भी मिलता रहेगा। आज हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी कर्मचारियों से सच्चाई व ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का आह्वान भी किया है। इस दौरान कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें मेरिट के आधार पर जॉब ऑफर प्राप्त हुए हैं, इसके लिए प्रदेश सरकार का धन्यवाद। उन्हें नौकरी के लिए किसी बिचौले के पास नहीं जाना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि अस्थायी नौकरी नहीं है और युवा नियमित भर्तियों के लिए भी आवेदन अवश्य करें। इन कर्मचारियों को अनुभव का लाभ मिलेगा, हर साल के अनुभव के आधार पर आधा अंक जुड़ेगा। उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में ग्रुप सी के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा यानी सीईटी हो चुकी है और जल्द ही ग्रुप सी की 35,000 पद भरे जाएंगे। इसके बाद जल्द ही ग्रुप डी के लिए भी सीईटी की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अब सरपंच चलाएंगे गांव में जनसंपर्क अभियान, ई टेंडरिंग की खामियों से करवाएंगे अवगत। ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के विरोध में सरपंच पिछले 10 दिनों से भी अधिक समय से धरना दे रहे हैं। सरपंचों के धरने को खापों और किसान संगठनों का भी लगातार समर्थन प्राप्त हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरपंच अब गांव में भी प्रचार अभियान चलाएंगे और ग्रामीणों को अपनी मांगों से अवगत करवाते हुए ई टेंडरिंग की खामियों के बारे में भी बताएंगे। सरपंचों ने कहा है कि वे जनता को भी बता देना चाहते हैं कि सरकार द्वारा उनके साथ गलत किया जा रहा है। उनकी पावर छीनकर गांव के विकास बुरी तरह से प्रभावित और लंबित होंगे। शनिवार को उचाना ब्लॉक में खेड़ा खाप ने सरपंचों की मांगों का समर्थन किया। कहा कि सरपंच गांव के चुनाव में प्रतिनिधि हैं और मंत्री द्वारा सरपंचों को चोर लुटेरे कहा जा रहा है, जो सरासर अपमान है। सरकार को अपना ई टेंडरिंग का फैसला वापस लेना होगा। कम से कम 20 लाख रुपए तक की राशि के विकास कार्य गांव में ही बिना ई टेंडरिंग के करवाने की पावर सरपंचों को दी जाए। साथ ही ये भी कहा गया कि राइट टू रिकॉल सिस्टम से कोई भी सरपंच काम नहीं कर पाएगा। गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल कुरुक्षेत्र में तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यमुनानगर में फहराएंगे तिरंगा। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी 2023 को सभी जिलों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बारे में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में 75 स्थानों पर गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय थानेसर में तथा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जगाधरी में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। प्रदेश सरकार ने इस गणतंत्र दिवस पर पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी को बढ़ाते हुए यह निर्णय लिया है कि इस बार जिला परिषद के प्रेसिडेंट भी गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्र ध्वज फहराएंगे। इसमें लोहारों में अनिता देवी, बहादुरगढ़ में कप्तान सिंह, महेंद्रगढ़ में राकेश कुमार, फिरोजपुर झिरका में जन मोहम्मद व खरखोदा में मोनिका राष्ट्र ध्वज फहराएंगी। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हिसार में, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला में, गृह मंत्री अनिल विज अम्बाला शहर, स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर करनाल में, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा नू में, ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला पानीपत में, कृषि मंत्री जेपी दलाल गुरुग्राम, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल फरीदाबाद, सहकारी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता कैथल और विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली सिरसा में राष्ट्र ध्वज फहराएंगे।
डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम द्वारा 40 दिनों की पैरोल की मांग को स्वीकार कर लिया गया है, जिसके बाद शनिवार को राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से पैरोल पर बाहर आ गया। वह दोपहर करीब 2:45 बजे कड़ी सुरक्षा में हनीप्रीत के साथ यूपी के बरनावा आश्रम बागपत के लिए रवाना हो गया। उसने 25 जनवरी को सिरसा डेरे के सत्संग में जाने की इच्छा भी जताई थी। वहीं शुक्रवार शाम को ही पैरोल की अनुमति जारी कर दी गई थी। जानकारी के अनुसार 25 जनवरी को डेरा सच्चा सौदा के दूसरे संत शाह सतनाम महाराज का जन्मदिन है। डेरे की ओर से हर साल कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस दौरान सत्संग और भी होता है। इसी आयोजन में शामिल होने के लिए गुरमीत ने इच्छा जताई है। डेरा मुखी ने जेल प्रशासन को आवेदन भेजकर सिरसा आने के लिए अनुमति मांगी है। पैरोल की अर्जी लगाने के बाद सरकार और प्रशासन के पास मामला विचाराधीन है। राम रहीम दुष्कर्म और हत्या के मामले में सजा काट रहा है। वह रोहतक के सुनारिया जेल में बंद है। 10वीं व 12वीं के प्री बोर्ड की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। 28 जनवरी से शुरू होकर 9 फरवरी तक चलेंगी परीक्षाएं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षा के प्री बोर्ड की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। प्री बोर्ड की परीक्षाएं 28 जनवरी से प्रारंभ होकर 9 फरवरी 2023 तक चलेंगी। बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से पिछले दिनों बोर्ड की परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी गई थी। अब कक्षा 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। प्री बोर्ड की परीक्षाएं 28 जनवरी से स्कूलों में ही आयोजित कराई जाएंगी। बोर्ड की ओर से परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक रखा गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बोर्ड परीक्षा से पहले प्री बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। इससे विद्यार्थियों को ये पता लग जाएगा कि वे किस विषय में कमजोर चल रहे हैं, उनको अपना आकलन करने का समय मिल जाएगा। हरियाणा में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। स्कूल शिक्षक पुरस्कारों की तर्ज पर विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के शिक्षकों को भी दिए जाएंगे पुरस्कार। हरियाणा सरकार द्वारा जल्द ही कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जल्द हरियाणा लोक सेवा आयोग को मांग पत्र भेजने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा और हरियाणा राज्य शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर ब्रज किशोर कुठियाला भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विश्वविद्यालयों में चल रहे सेल्फ फाइनेंस के कोर्स में बच्चों का अधिक रुझान बढ़े, इसके लिए प्रयास किए जाएं। इसके अलावा विश्वविद्यालयों को वित्तीय रूप से अपने संसाधन जुटाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया, भविष्य में युवाओं को रोजगार परक शिक्षा मिले, इसके लिए भी आज के समय में विश्वविद्यालयों द्वारा फ्यूचर रेडी कोर्स पर जोर देने की आवश्यकता है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले स्कूल शिक्षकों को दिए जाने वाले पुरस्कारों की तर्ज पर अब विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों को भी पुरस्कार दिए जाएंगे। ड्रैगन फ्रूट की खेती से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं किसान। प्रति एकड़ करीब 1 लाख रुपए का अनुदान। प्रदेश में किसानों की आय को बढ़ाने व उन्हें बागवानी के लाभकारी फसलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न फसलों का विशेष अनुदान दिया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती के प्रति जागरूक करने के लिए प्रति एकड़ करीब 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। ड्रैगन फ्रूट के गुणकारी लाभों के चलते बाजार में इसकी मांग भी निरंतर बढ़ती जा रही है। ड्रैगन फ्रूट रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काफी कारगर सिद्ध होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी, आयरन, कैल्शियम, फाइबर आदि काफी अधिक मात्रा में मौजूद होता है। इसके साथ ही ड्रैगन फ्रूट डायबिटीज और शुगर लेवल को नियंत्रित करने में भी काफी सहायक सिद्ध होता है। किसानों को मिलने वाली अनुदान राशि 2 भागों में विभाजित की गई है, जिसमें 30,000 रूपए पौधारोपण के लिए व 70,000 रूपए जाल प्रणाली के लिए दिए जाएंगे। एक किसान अधिकतम 10 एकड़ की भूमि पर अनुदान का लाभ ले सकता है। वहीं अनुदान का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। अनुदान योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान hotnet.gov.in पर भी आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने नजदीक के जिला बागवानी विभाग में संपर्क कर सकते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए गाइडलाइन जारी। भ्रामक विज्ञापन दिखाने पर लगेगा 10 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत वे उन्हीं प्रोडक्ट्स को एंडोर्स कर सकेंगे जिनका उन्होंने खुद इस्तेमाल किया हो या फिर वो कर रहे हो। यानी इन्फ्लुएंसर्स हो या फिर सेलिब्रिटीज, वे किसी भी प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ाकर कस्टमर्स को गुमराह नहीं कर सकते। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के मुताबिक सरकार के इस नियम का पालन नहीं किया गया तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। लगातार नियम का पालन नहीं करने पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। साथ ही विज्ञापन करने वाले को 6 साल तक किसी भी एंडोर्समेंट से रोका जा सकता है। यूजीसी नेट दिसंबर 2022 परीक्षा के लिए लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। नई तारीख के अनुसार दिसंबर 2022-23 सेशन के लिए उम्मीदवार अब 23 जनवरी 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं यूजीसी नेट दिसंबर 2022 परीक्षा की बात करें तो 21 फरवरी से 10 मार्च 2023 तक होगी। वहीं एक अन्य खबर पर नजर डालें तो इंडियन नेवी की ओर से एसएससी ऑफिसर के पदों पर उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उम्मीदवार भारतीय नौसेना की ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 5 फरवरी 2023
तारीख तय की गई है। वहीं एक अन्य खबर पर नजर डालें तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम से पहले सेशन के एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए हैं। एनटीए ने 21 जनवरी 2023 को हॉल टिकट ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जारी कर दिए हैं। ऐसे में परीक्षार्थी पोर्टल पर लॉग इन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं एक अन्य खबर के अनुसार यूपीएससी एनडीए और सीडीएस फॉर्म के लिए करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है। आवेदन पत्र में सुधार करने के लिए विंडो 24 जनवरी 2023 तक खुली रहेगी। परीक्षा का आयोजन 16 अप्रैल 2023 को निर्धारित किया गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।